गोल्स, लक्ष्य, क्या आपके पास लक्ष्य हैं? हाँ, अभी सभी लोग बोलेंगे, यार मेरे पास गोल्स है, मुझे पता है मेरे गोल्स क्या है और मुझे जाना कहाँ है। बट वेट, मेरा सवाल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या आपके पास रिटन गोल्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान के साथ? शायद अभी बहुत कम लोगों के पास ये होगा। बहुत सारे लोग अपने गोल्स के बारे में अवेयर तो होते हैं, लेकिन गोल्स रिटन फॉर्म में न होने के कारण 80-90% लोग अपने गोल्स अचीव करने के जर्नी में बीच में ही रुक जाते हैं और जर्नी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, इस वीडियो में हम गोल्स के बारे में एक साइंटिफिक रिसर्च जानने वाले हैं। तो इफ यू ट्रूली वॉन्ट टू नो द रियल पावर ऑफ राइटिंग डाउन योर गोल्स, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अंत में आपको ये समझ आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने हर एक गोल्स को कम से कम समय में हासिल कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑथर मार्क मैकोरमैक अपनी किताब What They Don't Teach You at the Harvard Business School, इस किताब में लिखता है कि 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था और उसमें हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए क्लियर लिखित लक्ष्य यानी कि रिटन गोल्स तय किए हैं, और अगर हाँ तो उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है, कोई प्लान बनाया है। सर्वे में पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास लिखित लक्ष्य यानी कि रिटन गोल्स थे और उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्लान था। 13% के पास लक्ष्य तो थे लेकिन उन्होंने उसे लिखे नहीं थे, दे वेर नॉट इन द रिटन फॉर्मेट, सिर्फ अपने दिमाग में वो लक्ष्य उन्होंने बनाए थे, और रिमेनिंग 84% के पास लक्ष्य नहीं थे, सिवाय इसके कि वे बिजनेस स्कूल खत्म होने के बाद गर्मियों का आनंद ले, जो आने वाला समय है उसे सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करे। 10 साल बाद यानी कि 1989 में रिसर्चर्स ने उन क्लास के सदस्यों को दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जो 13% स्टूडेंट्स उनके पास अलिखित लक्ष्य थे, वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से स्टूडेंट से औसतन 2 गुना कमा रहे थे। लेकिन उनमें से सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि हार्वर्ड छोड़ने के वक्त जिन 3% ग्रेजुएट्स के पास स्पष्ट यानी कि क्लियर लिखित लक्ष्य थे और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान था, तो वे बाकी 97% से औसतन 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहे थे। इन लोगों के मामले में एक सिंगल डिफरेंस और एक क्लियर डिफरेंस था, जो था उनके लक्ष्यों का, गोल्स का, जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। तो दोस्तों, 10 साल पहले और 10 साल के बाद का डिफरेंस आपके सामने आपने जाना। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो उसे ये पता चलता है कि आप अपने गोल्स के बारे में, गोल्स को लेकर काफी सीरियस है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आपके गोल्स आपके दिमाग में हैं तो आप उसे तुरंत अपने डायरी में जरूर लिखें और उसे सुबह नींद से जगने के बाद और रात को सोने से पहले लाउडली पढ़े, क्योंकि इस समय में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव होता है और वो ये सारी चीजें इजीली पिकअप कर लेता है। इसे कंसिस्टेंटली करिए और आपको रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में आपके सामने नजर आएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कीप हसलिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो वैल्यूएबल लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टेक केयर।